हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ स्वाति और आज हम देखने वाले हैं कि अभी अभी जो आदि पुरुष का नया फाइनल ट्रेलर आया है वो आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें स्टार कास्ट कौन है, क्या है, वो सब तो अभी सबको पता ही है क्योंकि पहले इसका बहुत चर्चे हो चुके हैं इस पे। और अभी आज फाइनल ट्रेलर आया है तो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, कैसा है, क्या है, कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं, और भी कुछ है या नहीं स्टोरी में, अभी क्या ऐड किया है, कुछ ऐड किया हो तो वो भी हमें ट्रेलर में शायद देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलो पहले देख लेते हैं, लेट्स गो। अभी 16 जून को आने वाली है ये मूवी और लास्ट में जो दो सीन थे वो थोड़े छोटे छोटे शॉट ही दिखाए हैं, उसके आगे मूवी में देखने को मिलेगा, है ना। और ये जो बंदर मीन्स वो पूरे पूरे बंदर ही दिखाए हैं। वो पहले तो वो पेड़ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे वैसे जंप कर रहे थे तो मुझे तो लगा ये क्या हो रहा है इसमें, इतने सारे बंदर फिर एक साथ देखे तब पता चला ये तो बंदर वाला वो पूरा सीन दिखा रहे थे बंदर। इसमें तो मैंने जब रामायण देखी थी तो उसमें और इसमें तो मुझे बहुत फर्क दिख रहा है। इसमें मुझे है ना वो ओरिजिनल और वो रामायण जैसे वो जो एक फील होती है ना वो फील नहीं आ रही है अभी, और पहले से तो बेटर लग रहा है मुझे। वो जैसे होना चाहिए था ना वैसे मुझे लग नहीं रहा है। वैसे हमने एक टीजर देखा था वो अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसमें बहुत चेंजेस देखे थे, पहले से तो बेहतर ही था पर अभी मुझे लग रहा था कि वो टीजर से बेहतर होगा, पर अभी इसमें इतना ज़्यादा फर्क मुझे दिख नहीं रहा है। और वो जो रावण को वो जब सीता माँ को लेके जाते हैं वो उनकी कोठरी से वहाँ से लेके जाते हैं वो जो सीन है ना वो कुछ तार जैसा कुछ वो उनको वैसे वो पूरे बंद जाते हैं और क्या बोलते हैं वो भूत प्रेत वाला हो वो इंसान कैसे हो जाते हैं वैसे हो तो कि फिर वो ले जा रहा है। जब रावण आया था सीता माँ
को लेने के लिए, तब वो है ना वो अपना वो गरुड़ वाला जो रथ था उनके पास जहाज वो लेके आया था, सबसे बड़ा जहाज था उनके पास हवाई जहाज, तो उनके पास तो मुझे लग नहीं रहा है वो है या नहीं, वो अभी उनको छू भी नहीं रहे, वो ठीक है। इतना इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, मुझे लग रहा है कि ये मूवी अभी कंफ्यूजन है मुझे पूरा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि ये सक्सेस होगी शायद, पर देखने तो जाएंगे ही सब लोग, अभी देखते हैं कि क्या होता है बाद में, तो क्योंकि हम लोग भी जाएंगे ही देखने को, क्योंकि अभी देखते हैं मूवी कैसे बना है क्या है, वो थिएटर में उसका फील क्या होता है वो देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए तो जाएंगे, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।